तो आज हम लोग क्लास 5 का क्लास 5 यानी कक्षा 5 का यानी क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एंड पार्ट 3 एब्सॉर्ट 03 को आज हम लोग देखेंगे। यहां पर जो फाइनल तुम्हें सिखाना है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा वो केवल लाइफ में होता है। लाइफ कहने का सेंस कि 1 1 में होंगे, 10 10 में होंगे और 100 100 में होंगे, डे डे में जुटेंगे और मंथ मंथ में मंथ में, ईयर ईयर में। यानी यहां पर तुम्हें 2 वर्ड को जानना होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में। एक वर्ड होगा कैरी और दूसरा वर्ड जानना होगा लोन। यानी कैरी क्या है और लोन क्या है, ये 2 वर्ड तुम्हें जानना होगा। अब देखो, कैरी का मतलब होता है बचना, लोन का मतलब होता है कर्ज लेना, इसे हम बोरो भी कहते हैं। तो ये बहुत ही एडिशन को समझना यहां पर आपको अच्छे ढंग से। आओ हम एक एडिशन दिखाते। यहां हम ईयर ईयर ले लेते हैं, मंथ मंथ ले लेते हैं, वीक भी हो सकता है, यहां डेट आवर मिनट सेकंड। अब इसकी एडिशन के लिए हम लोग प्रयास, यहां पर 4 बार ईयर ना लिखे, केवल ईयर ही लिख दे। यानी ये कोई आदमी अमेरिका में 12 वर्ष 2 मंथ 18 डेज सिक्सटीन आवर 40 मिनट 45 सेकेंड अमेरिका में रहा और कनाडा में 15 वर्ष 11 मंथ 17 डेज 15 आवर 30 मिनट 48 सेकेंड कनाडा में रहा और वह एक इंडियन था।
तो प्रश्न ये पूछेगा तुमसे कि कितना वह बाहर में रहे। तो यहां पर सेकंड सेकंड को हम जोड़ते हैं, रेड पेन का इस्तेमाल, 8534489, ये 93 हो गया। जो 93 सेकेंड नहीं हो सकता है तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, यानी 93 को आप लिख सकते हो ना 60+33, यानी यहां पर 33, या जो 60 है तुम्हारे पास यही कैरी हो गया, ये मिनट को दे दिया, क्योंकि 93 सेकेंड को, 93 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 1 मिनट, 33 सेकेंड, यानी यहां सेकेंड है तो सेकेंड का ही जवाब होगा, सेकेंड है तो सेकेंड का ही जवाब होगा, यह सेकेंड है तो सेकेंड, अब मिनट में चला गया, ये 41, ये 41 हो गया, और 30 जोड़ देंगे तो यहां पर 71, अब 71 को हम लिख सकते हैं 71 मिनट हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1 आवर, 1 आवर 11 मिनट, यानी यहां 11 हो गया। अब यहां पर भी कैरी आपका 1 आवर मिल गया, तो 16, 17 और 15 हम जोड़ते हैं तो 32, और क्योंकि 32 आवर को, 32 आवर को हम 1 डे 8 आवर लिख सकते हैं, यानी यहां पर 8 आवर और ये डे दे दिया। अब हमारे पास 8, 7, 15, 1, 1, 2, तो यहां पर ये 15 है और 1, 1, 2 है, तो यहां पर तुम्हारे पास ये 35 इज 35 डेज हुआ, तो 30 दिन का माना जाता है, तो यहां पर हम 1 मंथ 5 डेज लिख सकते हैं, तो यहां पर ये 5 हो गया। अब 1 मंथ इसको दे दिया, तो 2, 1, 3, 11, 3, 14, अभी 14 आ गए ना, तो तो 14 का हम 0 तो लिख सकते हैं, 1 ईयर इसको दे दिए, 13 और 15 हम जोड़ते हैं तो 28 ईयर्स, यानी वह बंदा 28 ईयर्स 2 मंथ 5 डेज 8 आवर 11 मिनट 33 सेकेंड बाहर में रहे। अब हम लोग देखते हैं ना एडिशन को, तुम समझ गया होगा एडिशन क्या होता है। जैसे देखो, तुम लोग कभी सोचा कि 4th क्लास में जो तुम लोग एडिशन किया, क्वेश्चन ऐसे था, अब इसकी एडिशन तुम कर रहा था ना, तो आप क्या कर रहे थे यहां पर, जो कर रहे थे क्या कर रहे थे यहां, 7 और 8, 15, 8, 23, तो आपने 23 को यहां पर 3 क्यों लिखा, 23 को, क्योंकि ये 1 है, ये 23 वंस को हम लिख सकते हैं,
टू टेन और थ्री वन, तो वंस का जवाब वन के पास होगा, अभी टू कैरी इसको दे देगा, तो 5 2 7 हो गए, 9 7 16, 7 23 फिर हो गए 3 भाई, हाथ में 2 हो गए, 4 2 6 हो गए, 6 6 12, 5 17, यहाँ 7, हाथ में 1 हो गए, 3 1 4 हो गए, 4 5 9 और 3 12, यहाँ 2 हो गए, हाथ में 1 हो गए, 2 1 3, 4 3 7 और 2 9। टू तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 2 3 4 3 7 2 9, तो आपने एडिशन को अच्छे ढंग से कर लिया है, एडिशन में इसी ढंग से आप और बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि तो जितने बातें करेंगे ना उतना एडिशन में कम ही होता है, यानी आप लोग ने एडिशन के बारे में सीखा कि लाइक में होता है, अब आप सब्ट्रैक्शन के बारे में हम बात करें।
तो एडिशन का तो ऑपरेटर होता है जिसे हम एड ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन का कोई ऑपरेटर नहीं होता। तो जब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर नहीं होगा तो यहां पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। तो देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यह बात को समझो। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट का जो मीनिंग होता है वह तुम्हारे पास क्या होता है, यह बात को समझने का प्रयास। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट का जो मीनिंग होता है, जैसे जो पूरा में से ऑल में से उसको छोड़ना कॉम्प्लीमेंट कहना। जैसे अगर 10 रुपया को तुमने पूरा मान लिया तो यहां पर 2 रुपया का कॉम्प्लीमेंट 8 होगा, क्योंकि आपने 10 को पूरा माना है। तो 3 को क्या होगा, 7, 4 को क्या होगा, 6, और यहां पर 5 का 5 ही रह जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने 100 को माना तो यहां पर 100 में अगर ये 2 है तो यहां 98 हो जाएगा, यहां 99 है तो 01 हो जाएगा। इसी ढंग से अगर आपने 60 को कॉम्प्लीमेंट माना तो यहां पर 5 का 55 हो जाएगा, 8 का 52 हो जाएगा, और यहां 59 का 01 हो जाएगा। यही है कॉम्प्लीमेंट का पहचान। जैसे अगर तुम 4 भाई हो ना तो 4 भाई टोटल हो गया, और एक भाई का आज जन्मदिन है, यानी आज 3 भाई का जन्मदिन नहीं है, यानी एक का कॉम्प्लीमेंट 3। और यहां 2 का कॉम्प्लीमेंट 2 हो जाएगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हम करते हैं ऐड ही करते। तो यह क्या होता है, ऑल क्या होता है, ऑल वहां पर बेस होता है। जैसे अगर डेसिशन सिस्टम में, तो उसका बेस डेस, ऑक्टल सिस्टम में 8, अगर ये जो भी सिस्टम में रहेगा ना वो उसका होगा। आइए कुछ सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 5, 8, 9, 2, 8, 6, 7, 5, 2, ये सब्ट्रैक्शन है। यही प्रश्न को हम दूसरे कलर से भी लिख देते हैं। तो और रियल में ये माइनस ऑपरेटर नहीं, एडिशन ऑपरेटर है। तो इसका लिखना होगा कॉम्प्लीमेंट। यहां 8 का कॉम्प्लीमेंट, तो पहला वाले को 10 पूरा करना होता है बेस कॉम्प्लीमेंट, और बाकी लोग को बेस -1। दशमिक में इसको 9 पूरा करने के लिए 3, इसको 9 पूरा करने के लिए 2, यहां 4 और यहां 7। अच्छे ढंग से समझेंगे। एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस एजुकेशन युग में लाया है आपको बेसिक कंसेप्ट। अब यहां पर 3 2 5
2 3 5 9 2 11 carry 1 9 4 13 carry 1 6 7 13 दिस इज 1A साइन बीट है, यानी आपका जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, यानी 33,155 ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आप लोग जो सबट्रैक्शन सीखते हो ना, वो देखो कैसे सीखते हो कि सर जी 3 में से 8 नहीं जाएगा, 3 में 8 नहीं जाएगा, तो बगल से लेते हो, तो यहां पर तुम्हारे पास ये बोरो कंसेप्ट कल आता है, तो तुम लोग के दिमाग में सेट है इससे हम 10 लेंगे, तो 10 3 13 हो गए, 10 3 13, 13 में से 8 गए तो 5 हो गए। अब यहां 1 बचे, 1 में से 6 तो नहीं जाएंगे, यहां से तुम्हारा पास फिर 10 लेना पड़ेगा, 11, 11 में से 6 गया 5, यहां 8 है और 8 से 7, यहां 1, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3, तो क्या ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं है? है। तो हम सब्ट्रैक्शन जो सिखाने का प्रयास कर रहे थे, मेरी बात को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब देखो, तुमको कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होता है, और हमेशा कोशिश करें। अब हम सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर देते, देखो गौर से, ये डेसिशन सिस्टम है तो कोई भी डिजिट 10 से ज्यादा नहीं है, 10 से कम है, तो ये तुम सोचो यहां पर ये 8 का हो, ऑक्टल का, तो 8 से ज्यादा डिजिट नहीं लिखना, यानी 5 लिखो, 6 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, 3 लिखो, यहां पर भी कुछ वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब देखो ये सबट्रैक्शन आ गया, ये सबट्रैक्शन अपने घर में चर्चा करो, इसकी सबट्रैक्शन करो, अपने नानी जी से, नाना जी से, दादा जी से, दादी जी से, इस सबट्रैक्शन को सीखो, तो तुमको सबट्रैक्शन का रियल कंसेप्ट आएगा। अब तुम्हारे पास देखो, अगर हमारे सिस्टम से करते हो ना, तो मैं पहले कंप्लीमेंट लेता हूं, यही क्वेश्चन को मैं दोबारा यहां पर लिखने का प्रयास, 5 6 3 2 1 3, 2 5 6 5 7 6, एंड सिस्टम इज ऑक्टा। यहां पर अब ऑक्टल सिस्टम में तुम जाते हो, देखो ये ऑक्टल सिस्टम में तू गया, तो पहला वाले को बेस पूरा करना है, तो अब दूसरे वाले को 7 पूरा करना है, तो देखो 6 2 8, ये सबट्रैक्शन है तेरे को, यहां पर ये 2 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये 2 1 2 5, अब तुमको ऐड कर देना है यार, 3 2 5, 1 0 1, 2 2 4, 3 1 4, 6 2 8, अब 8 में क्या होगा ना, 8 से इसको डिवाइड करने होगा तेरे को, तो यहां 0 लिखाएगा और कैरी 1 हो जाएगा, 6 5 11, यानी 3, और ये वाला साइन बिट रहेगा, यानी इसकी सबट्रैक्शन ये होगी। अब यहां पर देखो क्या होता है ना, घर में चर्चा करना पड़ेगा तुम्हें, जितने भी दर्शक हैं घर में चर्चा करो, सब्ट्रैक्शन का रियल कंसेप्ट जानो, एडिशन का रियल कंसेप्ट जानो,
यहां थ्री है और सिक्स है, तो तीन में से सिक्स नहीं जाएंगे, ये बगल से लेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सेट है कि हम पैंचा जो लेते हैं 10 लेते हैं, ये नहीं, बगल से एक पैंचा लेते हैं, बगल से एक पूरा लेते हैं, ये वन लिया और ये वैल्यूएशन 8 है, इसलिए 8 हो गया, 8 तीन 11, 11 में से 6 चले गए, बताओ 5 है, अब तो ये 0 हो गया भैया, ये इससे लेंगे फिर 8 हो गए, 8 में से 7 चले गए, 1 आ गए, अभी 1 बच गए भैया, 8 एक 9 हो गए, 9 में से 5 चले गए, 4 हो गए, यहां पर 2 आए, 1 लिए ना इसमें, तो 8 दो 10 हो गए, 10 में से 6 चले गए, 4 हो गए, 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 2 गया 3। ये सबट्रैक्शन हुआ। दुनिया की कोई सिस्टम में आप एडिशन सबट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन सबट्रैक्शन का जो रियल कंसेप्ट है, वास्तविक इसकी जो कंसेप्ट है, वो लाइक में होता है, स्वजातीय में होता है, यह बात को जानना है। अगर ज्यादा हो जाने पर कैरी होता है, जरूरत पड़ने पर हम बोरो ले सकते हैं, हम कर्ज ले सकते हैं, यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रियल कंसेप्ट है, यही एडिशन सब्ट्रैक्शन का रियल कंसेप्ट है। अब हम मल्टीप्लाई के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये लास्ट है तुम्हारे पास यार इसकी, तो थोड़ा सा हम वीडियो को लंबा करने का प्रयास करेंगे, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने दादा दादी जी के पास, नाना नानी जी के पास बैठ के डिस्कशन करने की जरूरत है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में फिट है कि अगर 26 है तो 26 का 6 नहीं तो कैरी 2 हो जाएगा, ये फिट हटाना होगा, ये डेसिमल सिस्टम में होता है, डेसिशियल सिस्टम में होता है, ये सारे सिस्टम में नहीं होता है। दूसरा, आपको सिस्टम को समझना होगा, डिजिट को समझना होगा, क्योंकि अगर डेसिशियल सिस्टम में आपने काम किया तो वहां पर डिजिट जो होगा वह 0 to 9 होगा, अगर आपने ऑक्टल में काम किया तो 0 to 7 होगा, इसी ढंग से अगर आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम में काम किया तो यानी 60 वाला हुआ तो 0 to 59 होगा। ये सिस्टम को आपको समझना होगा, और ये चर्चा आपको मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामानी और हुआ फुफा, ये सबसे चर्चा आपको करना होगा, तब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम चर्चा में नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में जो फिट है वो फिट को हमें निकालना है, क्योंकि हमने और हमारी टीम ने ये शपथ ले लिया है कि मैथ और साइंस को इंडियन के हरेक बच्चे को बेसिक कंसेप्ट अच्छे से सिखा देना है, और ये तुम्हें सिखाया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सेट था कि कैरी और लोन का कंसेप्ट, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का भी रियल में कंसेप्ट को सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होगा इसलिए आप लोग नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ये वीडियो आज का चैप्टर 1 का ये लास्ट वीडियो है, या आप कहें तो मल्टीप्लिकेशन डिविजन का मैं अलग से वीडियो बना दूं। तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग ने जान गया है, इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन का मीनिंग को आपने सीख गया है, इसमें कोई तरह का आपका दिक्कत नहीं है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम आपको आज इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन को सिखाया, अगली वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन डिविजन को सिखाऊंगा।